तो दोस्तों अभी मैं बैठा हूँ देहरादून के एक और हिडन वाटरफॉल में, जो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ बहुत ही कम लोगों को पता होगा, बहुत ही कम। पहुंच गए। नहीं ये तो नहीं है भाई। तो अब जो सबसे टफ काम है हमारे लिए, वाटरफॉल तक पहुंचना, क्योंकि आप ये रूट देखो यार। तो दोस्तों एक वाटरफॉल तो मिला ही था, उसके साथ एक और छोटा सा वाटरफॉल मिला है जो कि मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। जो नीचे वाला पानी का जो नीचे है ना, वो पूरा रेत है, पूरा रेत है, वो भी हल्का हल्का धस रहा है, उस वजह से पानी हो गया थोड़ा सा गंदा। ये पूरा जंगल वाला व्यू है और बीच में ये इतना प्यारा वाटरफॉल आते हैं। हाँ जी दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर मेरे YouTube चैनल में द ट्रैवलॉग एक है। तो आज फिर से हम लोग जा रहे हैं एक और हिडन वाटरफॉल देहरादून के अंदर। अभी मैं हूँ सप्लाई रोड पे, यहाँ से जा रहा हूँ मैं बीजापुर डैम के लिए। हाँ भाई, अबे गाड़ी चलती है भाई मेरी, हल्के में ले रहे गया। मैं तो 10 मिनट पहले फोन करना कि भाई पहुंच गया हूँ। अबे यार भाई, चलो 10 मिनट पहले भी, चलो तुम मिनट बाद आ रहे हो फिर भी। 5 मिनट फिर भी 5 मिनट वेट करना पड़ता ना। अबे गाड़ी एकदम चकाचक है, मक्खन चला चला के देख भाई। अबे हल्के में ले रहा है भाई को। हाँ भाई फील आ रहा है, 250 चला के। ये शक्ति है कि अपनी शक्ति है इसमें, तो इसमें चाहे ये गैस वेल्डिंग करवा दी, कुछ भी करवा दी, वो फील नहीं है भाई। फील पता है कहाँ है? अबे इससे तेरी बाइक से अच्छी आवाज़ तो मेरी बाइक की आ रही है। सुन डांट बोल दिया क्या? तेरी बाइक से अच्छी आवाज़ तो मेरी बाइक की आ रही है, देख इसकी आवाज़ सुना, एकदम गौर से सुनियो। स्टार्ट कर, गिर गई भयंकर। अबे स्टार्ट तो ये नहीं हो रही भाई, न्यूट्रल है ना, कहीं दबाते ही निकल जाएगी गाड़ी आगे। अच्छा डिस्प्ले गया, कॉन्ग्रेचुलेशन मेरा भी सेम ही हाल था कुछ टाइम पहले तक। कितने का लगे हो भाई? अब इसकी आवाज़ सुन, सेम ही है यार, सेम ही है लगभग लगभग। तो भाई ये मैं नहीं, ये आप लोग कमेंट करके बताओ कि भाई इस पर्पल वाले ड्यूक की आवाज़ अच्छी है कि इसकी आवाज़ अच्छी है। चलो अब चलते हैं यहाँ से आगे। तो दोस्तों अभी हम लोग पहुंच चुके हैं बीजापुर डैम पे। ये आपका बीजापुर डैम के लिए ज़्यादा रास्ता और ये रास्ता पुल, और यहाँ से जाना है ना कुछ ऊपर। तो एक बार मैं भी अच्छे से उस जगह पे पहुंच जाऊँ तो आप लोगों को मैं गाइड कर पाऊँगा उसके बाद कि एग्जैक्ट वाटरफॉल के लिए रूट कैसा है और किस रूट से जाना है और कहाँ जाके वाटरफॉल का रास्ता निकलेगा। अरे बच्ची बाबू साइड में चलो थोड़ा सा, वो रूट तो मैं मिल गया जहाँ से हमें जाना है वाटरफॉल के लिए, यही वो लाल हैंडपम्प है जहाँ से कटना है हमें सीधा। अब यहाँ से कुछ ऐसा है कि साथ वाले गए, मैं आ गया ना बस। तो अब यहाँ से कुछ ऐसा है कि थोड़ा सा नीचे जाके कच्चा रास्ता है, उसके बाद हम लोग सीधा वाटरफॉल के लिए निकले। तो वहाँ से आप आओगे तो यहाँ से नीचे नीचे नीचे, तो यहाँ से जाना है हमें नीचे। जहाँ पे अगर व्यू की जगह एक्सपल्स होती तो बाइक चलाने का वाइब भी अलग होता, कोई बात नहीं कभी एक्सपल्स नहीं कहेंगे। अब देखते हैं कहाँ निकलता है ये रास्ता भाई। बड़ी दुविधा है भाई ये हिडन वाटरफॉल ढूंढने के लिए। तो भाई इतनी हम अगर मेहनत कर रहे हैं हिडन वाटरफॉल ढूंढने के लिए, मैं मेरे साथ वाले उसके लिए यार एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है यार, प्लीज़ यार दोस्तों इतना तो आप कर ही सकते हो। ऐसे ही और भी आप लोग को वीडियो मिलेंगे, लेकिन पहले सब्सक्राइब का बटन दबा दो और शेयर का बटन भी दबा दो साथ ही साथ। बस पहुंच गए, एकदम सही रास्ता है। तो एक वाटर क्रॉसिंग मिलेगी आप लोगों को ऐसी छोटी सी, मेरा गाड़ी रुक कर रह गया।
के बाद मैं कहाँ जाना है, गाड़ी अब यहीं कहीं खड़ी करनी पड़ेगी भाई, गाड़ी अब यहीं लगा लो, इधर लगाते हैं पेड़ के नीचे। तो फाइनली आधा व्लॉग देखने के बाद आप लोगों को अब मेरा शक्ल देखने को मिला है। तो अभी हम इस लोकेशन पे हैं जहाँ पे हमने बाइक पार्क करी। अब यहाँ से हम भी रास्ता भी ढूंढ ही रहे हैं, मेरे ख्याल से यही होगा रास्ता, एक बार चल के देखते हैं। वो लोग जा रहे हैं क्या वहाँ से, पता क्या, पता उन्हें पता, उनसे पूछ लेते हैं भाई। अबे हम सारे काले कैसे हो रखे हैं आज, कैसे मतलब, ब्लैक टी शर्ट सारे के सारे भाई, देखना। चलो भाई, किस्मत अच्छी थी कि कुछ लड़के लोकल जा के मिल गए हमें, उन लोगों ने बताया कि रास्ता ये वाला रास्ता होके जाना है, तो भी सारे रास्ते में बढ़ते हैं। रास्ता तो भाई बड़ा ही घना है, अब रास्ता देख ही सकते हो। तो एक ये आपका कुछ झाड़ियों से होते हुए जा रहा है रास्ता, देखते हैं भाई कि जिस जगह हम लोग जा रहे हैं वो हम पहुँच पाएंगे कि नहीं। क्रॉस करो, क्रॉस करो, ऐसा रास्ता है आने का, बहुत ही प्यारा लग रहा है भाई ये सामने वाला एरिया। और यहाँ से अब उतरना नीचे, आ गया भाई, आ गया आ गया। वो भाई देख भाई, फॉल तो है सही, अब दिक्कत ये है कि नीचे पहुँचा कैसे जाए। तो फाइनली भाई सेक्सी है वे, हम लोग पहुंच चुके हैं। आप लोगों को दिखाता हूँ वाटरफॉल के ऊपर का व्यू, ये है छोटा सा वाटरफॉल जो मुझे नहीं लगता देहरादून में ज़्यादा लोगों को पता होगा। हाँ ये तो है। तो पहले देखते हैं कि यहाँ से नीचे कैसा जाया जाए, रूट ढूंढते हैं, उसके बाद आप लोगों को नीचे से वाटरफॉल का पूरा शॉट दिखाते हैं, ठीक है। तो अब जो सबसे टफ काम है हमारे लिए, वाटरफॉल तक पहुँचना, क्योंकि आप ये रूट देखो कुछ इस प्रकार से हम लोग जा रहे हैं, जो कि बहुत मुश्किल होने वाला है नीचे पहुंचना। ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई। तो दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं नीचे। आ जाओ भाई, जगह तो बहुत प्यारी है। पहले मैं दिखाता हूँ आप लोग को, यही ये जो रूट है ये आपका सीधा निकलेगा बीजापुर डैम के लिए, और जो मेरे सामने वाटरफॉल है भाई बहुत ही ज़्यादा ऑसम लग रहा है यार, बहुत ही ज़्यादा। तो पहले दो लोगों को वाटरफॉल दिखा देते हैं, या तो एक काम करते हैं डायरेक्ट सिनेमैटिक शॉट दिखाते हैं आप लोगों को वाटरफॉल का। पहले हम लोग कपड़े खोल के जा रहे हैं नहाने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, फिर आप लोगों को सिनेमैटिक शॉट दिखाते हैं। ज़्यादा मज़ा आ रहा है भाई यहाँ पे। तो अभी क्या हुआ है कि हम लोग नहा के पूरा जो नीचे वाला पानी का जो नीचे है ना, वो पूरा रेत है, पूरा रेत है, वो भी हल्का हल्का धस रहा है, उस वजह से पानी हो गया थोड़ा सा गंदा। तो यहाँ से थोड़ा सा नीचे जाके भी एक और जगह है जहाँ पे नहाने की जगह है, हम जा रहे हैं उधर जाते हैं पहले, तब तक ये वाला एरिया थोड़ा सा साफ़ हो जाएगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं फिर वीडियो बना सकते हैं अच्छे से। तो अभी चलते नीचे की तरफ। कोई बात नहीं,
मतलब नहाने के लिए थोड़ा सा वैसा है कि ग्रुप में ज़्यादा लोग नहीं आ सकते क्योंकि बहुत ही ज़्यादा स्लिपरी और बहुत छोटा एरिया है। बट अगर 4-5 दोस्त आ रहे हैं नॉर्मल बैठने के लिए, उसके लिए बहुत बेस्ट जगह है। ये देखो ये हो गया, बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। ऊपर से अभी धूप भी नहीं है, मौसम भी बहुत सही हो रखा है और एरिया तो मैं क्या बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है यार, मज़ा आ गया यार। तो दोस्तों एक वाटरफॉल तो मिला ही था, उसके साथ एक और छोटा सा वाटरफॉल मिला है जो कि मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। और यहाँ से जो व्यू है, मतलब इतनी परफेक्ट लोकेशन पर हम लोग आ रखे हैं, यहाँ से वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। एक ये इसके कुछ सिनेमैटिक्स और दिखाते हैं आप लोगों को। उसके बाद हम जा रहे हैं एक ऐसी जगह जहाँ पे भाई पता नहीं भगवान जाने नीचे रास्ता है कि नहीं है, बट जाके देख के आते हैं कि वो फॉल कहाँ पे उतर रहा है। तो मैं हूँ अभी इधर एकदम एंड में, जो कि आपका ये डेड एंड है यहाँ का, और यहाँ से डायरेक्ट एक बड़ा सा फॉल नीचे है। मतलब भाई देहरादून के अंदर इतने हिडन वाटरफॉल है ना, मैं क्या बताऊँ। अब मुझे ऐसा हो रहा है कि जो नीचे वाला वाटरफॉल है वहाँ पे कैसा जाया जाए, क्योंकि जो बीजापुर डैम से जो रास्ता आता है वो देखो, पानी का बहाव कितना ज़्यादा है, तो उस रूप से तो हम लोग वहाँ पे पहुँच ही नहीं सकते। और यहाँ पे कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि जो वहाँ से हम नीचे उतरें, तो ये वाला वाटरफॉल स्किप करते हैं। तो हमें बहुत प्यारी जगह मिल चुकी है, उसको अच्छे से शूट करते हैं फिर चलेंगे घर। भाई अब हो गया हम लोग का यहाँ से पैकअप, मतलब बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया और बहुत ज़्यादा एंजॉय करा। सबसे पहले रिव्यू लेना चाहूँगा मैं स्पीकर से, बड़े टाइम बाद ये मेरे एक ब्लॉग में है। भाई वाटरफॉल कैसा था? अमेजिंग था, एकदम मस्त एकदम, थोड़ा लाउड यार, रैंडम प्लान था, बेस्ट फ्रेंड्स बोलते ना, तो वही था, आज रैंडम प्लान था और बेस्ट था। एक नया भाई ऐड हुआ है हमारे साथ, भाई ने भाई को मैंने बहुत परेशान करा है, सारे मेरे शॉर्ट्स भाई ने लिए। बाकी हमारे पुराने हाँ भाई छेत्री ब्रो, या मैन कैसा रहा? इट वाज फैंटास्टिक। तो भाई अगर चाहते हो कि ऐसा कंटेंट आप लोग और कंज्यूम करो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब पक्का करो। मिलते हैं इसी तरह एक नई वीडियो में, टाटा भाई। चल जाओ जम्प।